माँ चाय पिला। नहीं मिलेगी तो कॉफी पिला दे। फिर मजाक, ये क्या लगा रखा है, फिर से आज जान जोखिम में डाली तूने? अरे माँ, कमिश्नर साहब ने आजकल मुझे दफ्तर की नौकरी दे रखी है, क्लर्की करवाते वो भी टेबल कुर्सी पर। अच्छा तो फिर ये क्या है भैया? CBI ऑफिसर विशाल रेड्स अ कैसिनो इन अ डेयरिंग स्टाइल। ब्लडी न्यूज़पेपर्स। क्यों विशाल क्यों? अब बहुत हो गया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। माँ तुम तो जानती हो कि मैंने इंडियन पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की। हाँ, तेरे पिताजी को कुछ गुंडों ने रुपयों के लिए अगवा किया था और उनकी जान भी ले ली थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता रहे। आखिर मारे गए ना वो गुंडे, इसलिए तो ये आग कभी बुझी नहीं। मुझे हर मुजरिम में पापा के कातिल नजर आते हैं। माँ मुझे करने दो जो मैं करता हूँ, बहुत सुकून मिलता है। तेरे हाथों में और बातों में बड़ा कमाल है, मुजरिम हो के माँ दोनों को खूब बस में कर लेता है तू। ठीक है कर ले, लेकिन जिंदगी से खिलौने की तरह खेल मत। माँ मुझे कुछ नहीं होगा। माँ आप ख्याल करने वाली को ले आइए, फिर भैया हर काम संभल कर करेंगे। हाँ विशाल अब तू शादी कर ले। माँ वो राजी होगी जिसे 5 बजे से घर पर इंतजार करवा रहे हैं? क्या मतलब? Oh my God. माँ कॉफी कैंसिल होके 6 से 9 सपना के साथ पिक्चर जा रहा था। भैया भी बस कमाल है, दुनिया भर के लोगों को पीट कर आते हैं लेकिन आज खुद पिटेंगे। बेटी अब तक तो इंटरवल भी हो गया होगा, तुम नारद मुनि की तरह आग मत लगाया करो। तुम भी क्या आ गया, आ गया। जब नहीं आए तो उनका इंतजार हो रहा था और जब आ गए तो दीदी बेडरूम में। आ गया आ गया आ गया, दरवाजा खोल रहा हूँ। हेलो अंकल। विशाल बेटे। हेलो आंटी। हाय। हेलो। आज फिर लेट बेटे। यू नो अंकल, मुजरिमों का पीछा करते करते देर हो गई, किसी दिन आप भी चलिए मेरे साथ, आपकी भी सैर हो जाएगी। कोई खतरा तो नहीं ना बेटे? जी नहीं, बस जीप चलानी पड़ती है 100-200 की स्पीड पे, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो छोटी मोटी खरोच भी आ जाती है। छोटी मोटी खरोच तो नो प्रॉब्लम, मुजरिम कभी कभार गोलियां भी चला देते हैं, लग भी जाती है। छोटी मोटी खरोच ही आती होगी? नहीं, उसमें आदमी मर सकता है, लेकिन आदमी तो सड़क क्रॉस करते करते भी मर सकता है ना अंकल, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता। सपना सपना, जब तोड़ फोड़ खत्म हो जाए तो नीचे आ जाना। सपना अभी गुस्से में है। वो क्या है, औरतों से डरना चाहिए लेकिन दिखाना नहीं चाहिए। देखा, कभी आजमा के देखना। हाँ हाँ, गुड टिप यार, वाई नॉट। धनवंती क्या है? पकौड़ा बनाओ। खुद बना लो। गुड़िया, बचपन के नाम से मत पुकारो मुझे। तो तुम नाराज हो? मनाना आता है यार, इस मामले में मैं बहुत ढीला हूँ, तुम अपना मूड खुद ही ठीक कर लो ना। विशाल कम ऑन यार, आई लव यू। आई नो। विशाल मुझे डिस्को जाना है, कम ऑन। अरे बाबा डिस्को बच्चों के लिए होता है, जवानों के लिए होता है, जिनके खून में गर्मी होती है, हॉट ब्लडेड यू नो। सपना मुझे नाचना नहीं आता। एक बार मेरे साथ नाचोगे ना चलना भूल जाओगे, कम ऑन। उसे डिस्को में नहीं जाना तो मेरे साथ चलो ना बेबी। थैंक यू मैम। विशाल छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, अभी नजर उठा के देखेगा। विशाल क्या हो गया था तुम्हें? विशाल तुम्हारी तरफ कोई नजर उठा के भी देखे तो मेरा खून खोल जाता है, क्योंकि गर्मी हमारे खून में भी है बेबी, हॉट ब्लडेड यू नो। मुझसे ज्यादा खुशनसीब तो वो मुजरिम है, कम से कम तुम उसे यूं जोर से पकड़ तो लेते हो, मुझे क्यों नहीं पकड़ते? स्टॉप इट सपना, लेट्स गो। विशाल मेरी तारीफ करो ना, कोई शेर कहो ना। शेर? चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम। लाजवाब हो? ऐसे नहीं, कुछ ओरिजिनल तो कहो ना। अरे यार सारा दिन तो मुजरिमों के साथ रहता हूँ और किसी को शेरो शायरी तो आती नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं सिखा देती हूँ। मेरी आंखों में देखो। देखा। अब बताओ कितना करते हो? क्या प्यार विशाल?
जितना तुम करती हो मुझसे प्यार, उसमें 10% और जोड़ लो यार। जा, मुझे नहीं करना कुछ डांस वांस। क्या हुआ? बी रोमांटिक विशाल। ओके बाबा, गिव मी अ मिनट, मैं ऐसा शेर सोचता हूँ कि तुम बेहोश हो जाओगी। ओके हेलो। हाँ, अरे उसे 2 थप्पड़ मारो, सब बक देगा। राने, तुम्हारा डंडा ठंडा पड़ गया है। व्हाट रबिश राने, मैं अभी आता हूं। व्हाट, स्टार्ट डांसिंग, कम ऑन प्ले। विशाल, तुम तो कह रहे थे 7 दिनों यार, अर्जेंट काम, हमेशा अर्जेंट काम। सपना, इतनी जल्दी वापस आ गई? आई शुरू हो गई, प्यार में आतिशबाजियां शुरू हो गई। डार्लिंग, मुझे तो अपने दिन याद आ रहे। आई तुम उधर जाके बैठो। ये हिटलर कभी नहीं सुधरेगी। तुम विशाल की माँ से शादी की बात क्यों नहीं करते? अब मैं कैसे बात कर सकता हूँ, मुझे तो बहुत शर्म आती है। शर्म आती है? अरे मैं तुम्हारी शादी की बात नहीं, सपना की शादी की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक बार दोनों की शादी हो जाए ना, तो विशाल के सर से काम का फितूर उतर जाएगा। बन जाएगा कोलू का बैल, बिल्कुल मेरी तरह। क्या कहा? सपना, कुछ खाने को है? चॉकलेट? मोटी हो जाऊंगी। बिस्किट? बिस्किट्स, भूखी रह जाऊंगी, बट आई गेस चलेगा। वाव दीदी, ये प्यार क्या होता है? प्यार? हवा खा के खुश रहे ना, खाना वाना कुछ नहीं मिलता है प्यार में। नहीं, प्यार तो ख्वाबों की दुनिया है। क्या क्या क्या? प्यार मतलब धड़कता है, बस एक ही नाम लेता है। अच्छा, और उसके साथ वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और बस सिर्फ उसी का इंतजार रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्यार तो जन्नत में ले जाता है। एक टपली मारूंगी ना, नारियल के झाड़ से सीधा नीचे उतर आएगी। क्यों, क्या गलत है? बहुत नॉवेल्स पढ़ने लगी है तू आजकल, ये सब किस्से कहानी और फिल्मों की बातें है, ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी निम्मो, कम ऑन गो स्टडीज करो, कम ऑन। मुझे एक बात बताइए। क्या? तुम्हें विशाल के बारे में क्या अच्छा लगता है? ओह विशाल, he is so daring, so stylish। पता है, प्यार होता है जाबाज पुलिस ऑफिसर पर मर मिटना, जो अपनी महबूबा को छोड़कर एक मुजरिम से मिलने चला जाता है। दीदी, निम्मो, हाँ, पढ़ाई, एग्जाम्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तेरा भाई कहाँ है बेटी? भैया वो चाचाओं को कैसे याद आ गई हमारी? नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे तुम तो कभी हमारे घर आते नहीं, हम ही चले आए। ये क्यों आएगा हमारे घर भाई साहब, आखिर हमने किया क्या है? चाचा विशाल भाई से डरते हैं, विशाल भाई खुफिया पुलिस में जो है ना। जरूर छोटे चाचा के मन में कोई चोर है। ये लो, मैं तो इतना सीधा हूँ कि आज तक मेरी शादी ही नहीं हुई, तो तुम्हारा ये मतलब है कि मैं बदमाश हूँ कि मैंने दूसरी शादी की? डार्लिंग छोड़ो ना। वैसे चाचा, आपने अपनी दूसरी शादी की पार्टी नहीं दी। हाँ दूंगा ना, लेकिन घर पे आना पड़ेगा। बोलो कब आते हो? बोलो चाचा। कुछ कमीने लोगों के पीछे लगाऊं, एक सबूत मिला है उनके खिलाफ, 2-4 दिन में उनके चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वो चक्की पीसेंगे और आप और मैं पार्टी करेंगे। कहाँ जा रहे हो? पुलिस कॉन्फ्रेंस, शिमला। कुछ लोगे ठंडा गरम कॉफी चाय। ओके डांस। या बोली, व्हाट दिस, क्या कर रहे हो? अब मैं समझा तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, डांस करने के लिए ना? म्यूजिक तो मैंने नहीं, मैंने आपको डांस के लिए नहीं बुलाया। आपने तो डांस करो। पूजा, मैंने इनको नहीं बुलाया। और अभी तो कहा डांस करो, कह रही है नहीं। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी गर्ल्स, मिस्टेक हो गया होगा। ओके डांस। आप
फिर आ गए। अरे आप इन्हें तो कर डांस नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं, I'm so sorry for the confusion, girls. इनका नाम ही ओके है। हाँ। ओके। वो मुझे बुलाया। अरे ओके। मुझे किसने बुलाया? किसने बुलाया? आपका नाम ओके क्यों रखा गया? ये एक लंबी कहानी है। मुझसे पहले मेरी माँ ने बहुत से बच्चे पैदा किए। उसमें कोई लंगड़ा था, कोई लूला था, कोई आड़ा, कोई चढ़ा, कोई हिला हुआ था। मैं जब पैदा हुआ था बिल्कुल कम्प्लीट, डॉक्टर ने उठा कर देखा, बोला he is okay. तब से लेके आज तक मैं ओके ओके ओके। इधर आओ। आऊं? आया? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरुण कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं का मतलब? आज मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह तुम शो से पहले उसको मेरे पास लेके आओ। ओहो, क्या बात है! इतना भाव अगर कोई लड़की मुझे देती ना, तो मैं उसकी चौखट पे कुत्ते की तरह बैठ जाता। ओके। अभी ढूंढना पड़ेगा। वाओ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्या मैं आप लोगों के साथ खेल सकता हूँ? एक यही टेबल है, यहाँ की एक कुर्सी खाली है। तुझे पहले कभी देखा नहीं इधर? अरुण, अरुण नाम है मेरा। अरुण? अरुण क्या? मेरा क्या खानदान जानना चाहते हो? यहाँ बाप और माँ का तो पता नहीं है। अबे सुअर की औलाद, यहाँ क्या माल कमाने आया है? उठ, चलो उठ। देखिए, गाली देकर बात मत कीजिए। क्यों बे? अब वो मैं डर जाता हूँ। डर जाए। और जहाँ तक माल बनाने का सवाल है, चलिए मैं आधा घंटा हारने को तैयार हूँ। क्या बात है! अरे घड़ी देख लीजिए, लेकिन आधे घंटे बाद मेरी किस्मत मेरे पत्ते। ओके। अरे ये तो 40 मिनट से हार रहा है। 40 मिनट? अरे पहले क्यों नहीं बताया? बात बता, तू इतना माल अचानक जीत कैसे गया? मैं आधे घंटे से हार इसलिए रहा था क्योंकि मैं आप लोगों को गौर से देख रहा था। जब आपके पास बुरे पत्ते आते हैं तो आप अपना नाक खुजाना शुरू करते हैं, आप मफलर ठीक करते हैं और आप शराब पीना शुरू कर देते हैं। और आपके पास जब पत्ते अच्छे आते हैं तो आप अपना हाथ दबाते हैं और ये सिगरेट पीना शुरू कर देती हैं। दिस इज चीटिंग। अरे भाई, ये जुए की किस किताब में लिखा है? ये हाथ फिर होगा, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। आपका नाम? शेरू। शेरू क्या? अपुन इस मोहल्ले का दादा। वो क्या है कि मुझे दो आदमियों को जान से मारना है, इसलिए मेरा ध्यान उनकी तरफ चला गया था, समझा? आप शेरू हैं? हाँ, अब माल इधर कर, चल। रुक जाओ, इससे तो पैसे पहले हम वसूल करेंगे। कल सुबह हमको भी इसने इसी तरह हराया था। देख टकलू, बंदूक हटा दे। नहीं। देख बंदूक हटा दे। नहीं। देख, तू जानता है कि मुझे बंदूक देख के क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? ए, उठाओ, चलो। बंदूक देख के मुझे ये चाकू, चाकू ये तो खिलौना है, छोटा सा खिलौना, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, ले लो। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, आप मुझे मारेंगे। क्या बात करते हो अरुण भाई साहब, ये पैसे आपके हैं, आपके, ले लीजिए। सच्ची? बिल्कुल। थैंक यू शेरू दादा, थैंक यू वेरी मच शेरू दादा। छाड़ यार। ए, माल? फिर वही चल। अरे नहीं यार, नए स्टाइल से
अरे आओ यारो। अरे यार वो टकलू को तो तूने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अरे उसको तूने मार के ढेर कर डाला यार। यार वो असली बंदूक ले आया था, कहीं चल जाती तो मेरे तो दो तीन पांच हो जाते ना। ये ले चले काम कर। उसके लिए कुछ कह रहे हैं यार। ठीक है यार 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे देना उसको। चल ठीक है, चल निकलते हैं। ओके कल 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 भाई पे। ओके ये कौन सा आइटम है यार? छाट यार तू कहां था लेकिन? जहां मैं था ना वहां तुम्हें ले जाने आया हूँ, चल मेरे साथ। अरे यार छाट यार अपना भी स्टाइल है।